गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, अब हम लोग निकल चुके हैं। ये देखिए, कल हम लोग खाडुंगरा पास पे थे, अभी हम लोग जा रहे हैं इंडिया का लास्ट विलेज है तुरतुक। वहाँ पे रास्ता देखिए कितना ज़्यादा ख़राब है, उसके बाद पाकिस्तान बॉर्डर है तुरतुक के आगे। तो ये देखिए, ये कुछ ऐसा रास्ता है, रोड समझ लीजिए है ही नहीं, और इन रास्तों से होकर के हम लोग जा रहे हैं। और अभी हम लोग को पता चला है सियाचिन भी इधर ही पड़ता है, तो हम लोग देखिए कहाँ तक पहुँचते हैं। सियाचिन जाने का प्रोग्राम है हम लोगों का, ग्लेशियर वगैरह देखने का, लास्ट गांव जो है इंडिया का वो देखने का। ये हम लोग का इस टूर में नया है जो हम लोग एक्सप्लोर कर रहे हैं इस बार। ये देखिए रास्ता फ्रेंड्स, यहाँ पे अगर आप लोग आएँ तो काफ़ी केयरफुली गाड़ी चलाएँ, देख लीजिए रास्ते का हाल। तो धीरे धीरे हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, पहले सियाचिन की तरफ बढ़ रहे हैं, उसके बाद आगे पाकिस्तान बॉर्डर। ये देखिए फ्रेंड्स, रास्ता ही नहीं है। तो अब थोड़ी दूर यहाँ से आ चुके हैं हम लोग, सियाचिन पहुँचने वाले हैं फ्रेंड्स। ये देखिए सियाचिन वार मेमोरियल, हम लोग सियाचिन में हैं इस समय। ये बैटरी की साइकिल है जिसको लेके हम लोग ऊपर पहाड़ पे गए थे, और हम और मेरे फ्रेंड मिस्टर जायसवाल हम लोग आ रहे हैं वहाँ से वापस। ये देखिए, ये पूरा सियाचिन है, बर्फ़ से ढके हुए ये पहाड़ हैं, यहाँ पे हम लोग घूम चुके हैं। अब थोड़ी देर में हम लोग निकलते हैं तुरतुक के लिए फ्रेंड्स। ये देखिए अंधेरा हो गया है, ऊपर देखिए ब्लू है पहाड़, लेकिन नीचे बहुत अंधेरा, लकड़ी का पुल, काफ़ी डेंजरस रास्ता, दोनों तरफ कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। और हम लोग बढ़ रहे हैं तुरतुक गाँव की तरफ, जो कि आज हम लोगों का डेस्टिनेशन होगा वहाँ पे रुकने का। आज हम लोग तुरतुक विलेज में रुकेंगे और कल सुबह तुरतुक विलेज देखेंगे और इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर पे जाएंगे। पूरी वीडियो मॉर्निंग में मैं आपको दिखाता हूँ। तो अब हम लोग तुरतुक पहुँच चुके हैं और मैं अपनी वीडियो को यहीं पे एंड कर रहा हूँ। हाय फ्रेंड्स, हम लोग नुब्रा वैली के अंदर एक गाँव आता है तुरतुक, ये पाकिस्तान बॉर्डर से 7 किलोमीटर के आसपास है। कल रात को हम लोग यहाँ आए थे खाडुंगरा पास के बाद, तो पता चला कि गांव है ये विलेज। ये 1971 में जब इंडिया पाकिस्तान का वॉर हुआ है, उसके बाद ये गांव जो है ये इंडिया में मिलाया गया है। उसके पहले ये 12-13 किलोमीटर का जो भी एरिया है वो पूरा पाकिस्तान के अंडर आया करता था। तो जब हम लोगों ने ये स्टोरी सुनी तो हम लोग का मन करा कि हाँ, हमें इसे देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मेरे पीछे आप एक बोर्ड देख सकते हैं, ये तुरतुक गांव है, नुब्रा, यूपी, लद्दाख। तो अभी हम लोग इस गांव को देखने जा रहे हैं। यहाँ म्यूज़ियम है, पैलेस है, और भी चीज़ें हैं जैसा कि हम लोगों को पता चला है। तो यहाँ सूरज बहुत जल्दी आता है, तो अभी सुबह 6 बज रहे हैं और हम लोग सब लोग तैयार होकर होटल से निकल चुके हैं। आप देख सकते हैं सब लोग ये तैयार होकर के खड़े हैं, और हम लोग जा रहे हैं बस आगे गांव देखने के लिए। उसके बाद गांव देख के लौटेंगे तो अपनी गाड़ी लेके बॉर्डर तक जाएंगे, वहां से हमें पाकिस्तान बॉर्डर दिखाई देगा, पाकिस्तानी शॉप्स, पाकिस्तानी बाकी एरिया जो भी हमें दिखाई देगा, हम वीडियो में उसको शूट करके आप तक दिखाएंगे। ओके, अंदर अब एंटर कर रहे हैं। मेरे पीछे आप देख सकते हैं ये लकड़ी का ब्रिज पूरा इन लोगों ने बना रखा है, यहाँ गाँव वालों ने। तो हम लोग एंटर करके अब इस साइड जा रहे हैं, इधर उन्होंने बताया है म्यूज़ियम है और फिश का कुछ है, एक्वेरियम या क्या है किस तरह का, वो वहाँ जा करके हम लोगों को दिखाई देगा। तो हम लोग अभी इधर जा रहे हैं, उसके बाद उस साइड भी म्यूज़ियम और पैलेस वगैरह बाकी चीज़ें हैं वो जा करके हम लोग कब देखेंगे। वो इसके बैक साइड है और इस साइड दूसरी चीज़ है, तो आगे जाके देखते हैं और आपको दिखाते हैं वीडियो में। हम लोग इस समय आ चुके हैं अपने इंडिया के लास्ट गांव और हमारे थाउंग गांव, और हमारे साथ हैं सर। सर आपका नाम? गुलाम मेहंदी। गुलाम मेहंदी जी हैं हमारे साथ, आर्मी से रिटायर हैं, और ये हम लोगों को इस विलेज की थोड़ी सी जानकारी देंगे। इनको लेट हो रहा था लेकिन हम लोगों ने रिक्वेस्ट करी अभी इनसे, तो इन्होंने बोला कि ठीक है। तो सर हमें थोड़ा सा बताएंगे इस गांव के बारे में आप? ठीक है सर, सामने जो देख रहा है सर ये पाकिस्तान का गांव है, ये जो हरियालियाँ आप कैमरा जूम कर दीजिए। जी मैं जूम करके दिखा रहा हूँ। तो फिर वो पाकिस्तान, ये जो है शयोक रिवर जा रहा है सर, आगे है ना जी, ये शयोक रिवर जा रहा है। शयोक रिवर से राइट वाला जो है पाकिस्तान का सर। ओके, बाकी इधर वाला अपना इंडिया का, और आपको ये बीच में जो है एक फेंसिंग लगा हुआ है सर जी, वो अपना इंडिया का है। बाकी फेंसिंग से वो नदी तक
जी जो है नोमन लैंड है। ओके, ये बाकी ये वाला जो आप रिज दिखा दीजिएगा जी, ये पाकिस्तान का है, ये पूरा रिज जो है पाकिस्तान का है जी, ये ऊपर तक पाकिस्तान का है रिज है जी। बाकी ये जो है नाला है, जो इस गांव के नाला है, इससे राइट साइड अपना इंडिया का और लेफ्ट साइड पाकिस्तान का है जी। हाँ, जो ये नाला जाता है उसके राइट साइड में अपना इंडिया का पोर्ट है और इधर लेफ्ट में पाकिस्तान का है। बाकी है छोटी सी गांव है सर, यहाँ की पॉपुलेशन 170 के आसपास है और 25 घर से। सर वो 1970 वाली जो स्टोरी है वो थोड़ा सा जरा आप हमारे व्यूअर्स को बताने का कष्ट करें। 1971 में वार हुआ तो फिर अपना इंडिया ने ये जो है आगे 5 गांव जो है अपना इंडिया ने लिया सर जी, जो कि पहले पाकिस्तान में हुआ करते थे, पाकिस्तान में था। ओके, तो फिर आगे आपका चुलुंखा और आगे तुरतुक, फिर टैक्सी, पचादाम, फिर थंग, ये 5 गांव ऐसे सर जो पहले पाकिस्तान का था जी। फिर 1971 में वार हुआ तो फिर अपना इंडिया ने लिया। ओके, हाँ, तो फिर यहाँ की हिस्ट्री तो इतना ही है सर। बाकी ये वाला रिज जो है अपना इंडिया का है जी, और सबसे आगे चोटी है जहाँ बादल छाया हुआ, हाँ हाँ, वहाँ पाकिस्तान का है। ओके, फिर वहाँ से नीचे अपना इंडियन का है सर जी जी। बाकी ये गाँव तो बहुत, यहाँ बिल्कुल 99 के बाद बिल्कुल शांति है सर। Okay. कोई हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है और अपना इंडियन आर्मी के बहुत हम सराहना करते हैं और हम इंडियन आर्मी के साथ ही रहे हैं। तो सैल्यूट करते हैं हम अपनी इंडियन आर्मी को, इंडियन आर्मी का सैल्यूट है करते हैं सर जी। बिल्कुल, ओके, तो हम खैर हम तो खुद आर्मी से रिटायर हूं, तो फिर हमें इस चीज का वो है, तो फिर हमारे यहाँ ज्यादातर आर्मी का सुविधा है सर, क्योंकि आर्मी का लोड पहुँचाते हैं तो फिर गरीब परिवार को आर्मी से बहुत सहायता मिल जाते हैं। ओके, ओके, क्योंकि हम राशन पहुंचाते हैं उनको जी, हर चीज का सुविधा पहुंचाते हैं, हम डोंकीज पे ले जाते हैं जी, राशन जी, तो फिर उसके बदले हमें पैसा मिलता है जी, तो जी, इसी से घर गुरु चलाते हैं। ओके सर, बाकी यहाँ पे बहुत मजे है सर, पीसफुल है और शांति है बिल्कुल सर। थैंक यू सर, लास्ट में इंडियन आर्मी के लिए जय हिंद। थैंक यू सर, हमारे व्यूअर्स को थोड़ा सा शेयर करने के लिए बहुत बहुत थैंक यू आपको। थैंक यू सर। हाय फ्रेंड्स, तो अब हम लोग तुरतुक से आ चुके हैं इंडिया के अपने लास्ट गांव, जिसको बोलते हैं थोंग विलेज, जो कि अभी मैंने एक लास्ट इंटरव्यू किया है एक हमारे आर्मी के सोल्जर हैं उनका। ये 71 में इंडिया ने ये 6 गांव अपने कब्जे में लिए थे पाकिस्तान से, उसके पहले ये पूरा एरिया जो है ये पाकिस्तान के अंडर हुआ करता था। आप जस्ट मेरे पीछे देख सकते हैं, इंडो पाक बॉर्डर पर हम लोग इस समय खड़े हुए हैं। अभी ऊपर हम लोग होकर के आए हैं, ये रास्ता मैं अपने कैमरामैन से कहूँगा इधर एक बार ये रास्ता दिखाएं किस तरह जाने का है। इस जटिल पहाड़ियों पे चढ़ के हम लोग अभी गए हैं और जा करके पूरा हो करके आए हैं। बॉर्डर हम लोगों ने वहाँ से देखा है, पूरा वीडियो कैप्चर करा है, अभी सारा वीडियो डालूंगा। तो इतनी जानकारी आपके लिए देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था कि इस समय हम लोग इंडिया के लास्ट गांव पे हैं, और सबसे मेन चीज़ ये रास्ता 2 साल पहले अभी आम जनता के लिए खोला गया है, उसके पहले ये रास्ता पूरा बंद था, यहाँ किसी को आने की परमिशन नहीं थी। और अभी भी ये रास्ता केवल 2 महीने के लिए खुला होता है, जिस समय हम लोग आए हैं अभी ये मई का महीना है, अप्रैल मई 2 महीने ये रास्ता खुला होता है, उसके बाद बारिश के कारण और उसके बाद स्नोफॉल होने लगती है तो ये रास्ता बंद हो जाता है। तो हम लोग बहुत लकी हैं कि आप लोगों तक वीडियो पहुंचा पा रहे हैं और हम लोगों को ये पूरा देखने को मिला इस समय। तो व्यूअर्स प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और जितना हो सकता है शेयर करिएगा वीडियो को। बाय।